बिहार की पृष्ठभूमि से ये पुरानी ठुमरे 400-500 साल पुरानी होनी चाहिए और विरासत है तो एक बहुत ख़ास चीज़ मैं यहाँ सुनाऊंगी। देखिए ठुमरी तिरोभाव का काम है, राग अपनी जगह है, राग में बंदिश है, लेकिन उसमें हमें छूट है कि आसपास के रागों में अगर वो हमें जगह मिलती है और वो हमारा मिजाज बनता है तो तिरोभाव दिखा सकते हैं। ख्याल की गायकी में वो हमें छूट नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है, इतने ही संपूर्ण है, 7 का 6 का जाते वक्त हमें 5 लगाने हैं, अवरोहों में 6 ही लगाने हैं और उसके अंदर ही आपका पूरा दायरा है जो आपको गाना है। ठुमरी में क्योंकि हमारे पास वो छूट है तिरोभाव की तो रंजकता मादकता ठुमरी में कहीं ज़्यादा है। तो एक ज़माने में ठुमरी की गायकी सर चढ़कर बोला करती थी पूरे हिंदुस्तान में। और ये बंदिश जो मैं गा रही हूँ, मैंने कहा ना कि देखिए रंजकता का मामला है। अब आप एक राग लीजिए जैसे पीलू जैसा राग है तो क्या है, 12 सुर का राग है, 12 सुर लग रहे हैं। और आप भैरवी जैसा राग लीजिए तो भी 12 सुर लग रहे हैं, लेकिन टोनल क्वालिटी में कितना फ़र्क है दोनों रागों में। तो ये नहीं है 12 सुर का या 11 सुर का या 10 सुर का, राग के साथ उसका क्या मिजाज बनता है उससे गाने का टोन पूरा पूरा एंटायर एम्बियंस एंड एम्बियंट कंडीशन चेंजेस। और यही पुरानी गायकी हमने विरासत में अपने पुरखों से, और मैं आज अपने बिहार के पुराने पुरखों को याद करती हुई और आपको वाक्य भी साथ साथ सुनाऊंगी। पचगछिया के नरेश थे, बहुत अच्छा गाते थे, विष्णुदेव जी चाचा जी उनके गुरु थे। और पचगछिया नरेश के यहाँ महफिलें होती थी और उनके यहाँ एक केयर गिवर था, मांगन खवास। खवास का मतलब ही होता है परिचारक और हेल्पर और डोमेस्टिक हेल्प। वो सिखाते किसी और को थे वो लोग, उस्ताद लोग, और ये सुनता था झाड़ू पोछा करते हुए। एक दिन राजा साहब को कहा मैं कुछ सुनाऊं, मैंने कहा हाँ हाँ चलो सुनाओ, पोछा रखो आओ। उसने गाना गाया तो राज दरबार गायक वो बन गया। और ओंकारनाथ ठाकुर जी जब आते थे पचगछिया, श्री ओंकारनाथ ठाकुर जी, तो कहते थे इसको मेरे साथ महफिलों में भेज दो, मैं ख्याल गा लूँ तो ये गाएगा ठुमरी, उसके बाद धुनी रौनक हो जाती है और मैं सुनूंगा ऑडियंस में बैठकर। ये गाना था विलक्षण बिहार में। अब मैं बिहार में जाती हूँ, मुझे बहुत सुंदर ध्रुपद सुनने को आज भी मिलता है, बहुत अच्छी ठुमरी सुनने को अब नहीं मिलती है। इसीलिए बिहार की बेटी हूँ तो ये प्रण है कि शोध करते रहेंगे, पुरानी चीज़ों को निकालते रहेंगे और विरासत जैसे मंच से उसको प्रतिष्ठित करते रहेंगे। एक दादरा सुना रही हूँ 12 सुर पीलू, और देखिए उसके बाद एक उसी में मैं जोड़ूंगी, उसको हम बोलते हैं सीढ़ी का दादरा। आर के भैया सुना है अपने टर्मिनोलॉजी कहीं सीढ़ी का दादरा? नहीं सुना, जब उस पर आएंगे तो बताएंगे कि उसको सीढ़ी का दादरा क्यों बोलते हैं। कलाकारों की भी महफिल है, किसी ने सुना हो तो हाथ ज़रूर खड़ा कीजिएगा कि सीढ़ी का दादरा की आपने कहीं चर्चा सुनी है, उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। बहरहाल ये मिश्र पीलू में दादरा सुनाइए दादा।
सांवरिया ये बनारस और बिहार दोनों में गाया जाता है, इसलिए इसको मैंने चूज किया इस दादरी को। सांवरिया प्यारा रे मोरी गुइया, 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 सांवरिया मारा रे। देखिए क्या साहित्य है, वो तो ठाणे कदम की छैया रे, वो तो ठाणे है, वो तो ठाणे है, वो तो ठाणे कदम की तो ठाणे, वो तो ठाणे कदम की छैया, 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 वो तो कदम की छैया रे, वो तो ठाणे हाय, वो तो ठाणे हाय, वो तो ठाणे ठाणे, वो तो ठाणे कदम की छैया रे, वो तो
बनारस से लगी सुनिए दादी।